ड्राइविंग लाइसेंस ना मिलने की वजह से अगर आप परेशान हैं तो अब आपकी परेशानी खत्म हो सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आपके पास तो आपको काफ़ी बार चालान भी हो गया है, लेकिन आप लोगों ने ट्रायल को भी पास कर लिया है फिर भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। वैसे तो कहा जाता है कि डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट जो है वो आप रख ले, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन लोगों ने अगर डिजी लॉकर में भी अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं तब भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में आपको ड्राइविंग लाइसेंस की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी उसकी हार्ड कॉपी का, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने चाहे प्रिंटिंग हो और चाहे डिस्पैच हो उसका काम जो है वो शुरू कर दिया है। आने वाले 2 महीनों की अगर बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस की जितनी भी परेशानी थी वो खत्म हो सकती है और आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने खुद मान लिया है कि उनकी वजह से लोगों को परेशानी हुई है, लेकिन अब आने वाला समय ऐसे होगा कि आपकी परेशानी की जो है वो खात्मा कर दिया जाएगा और आपकी परेशानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा डिसीजन लिया गया, आने वाले 2 महीनों में चाहे वो प्रिंटिंग हो और चाहे वो डिस्पैच का काम हो वो ख़त्म कर दिया जाएगा और आप लोगों को आपका अपना ड्राइविंग लाइसेंस जिसके लिए आपने ट्रायल भी पास कर दी है वो आपको मिल जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 लाख से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो पेंडिंग है और समय जो है वो 1.5 साल का है, यानी जम्मू कश्मीर की बात करें पूरे जम्मू कश्मीर में 1.5 साल से किसी को भी ड्राइविंग लाइसेंस की हार्ड कॉपी नहीं मिल पाई। कहा जाता था ये ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर आएगा, लेकिन आपने दरवाज़ा खुला भी रखा, ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आया। जब भी आरटीओ से बात करने की कोशिश की या खबरें छपी तो कहा गया कि प्रिंटिंग मटेरियल जो है वो हमारे पास नहीं है क्योंकि अभी तक उसका टेंडर जो है वो फिल नहीं हुआ। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन पहुंच गए। अब 2 महीनों के अंदर अंदर जो है ड्राइविंग लाइसेंस की प्रिंटिंग का और डिस्पैच का काम जो है वो शुरू हो जाएगा और आप लोगों के घर जो है ड्राइविंग लाइसेंस पहुंच जाएंगे। लेकिन ये ड्राइविंग लाइसेंस बहुत खास होने वाला है, ये ड्राइविंग लाइसेंस पहले वाले ड्राइविंग लाइसेंस से बहुत हटके और अलग होने वाला है। और आपको ये भी बता दें कि 1.5 साल से जिन लोगों को लाइसेंस नहीं मिला है अब उन्हें लाइसेंस मिलेगा, वो देखेंगे कि इस लाइसेंस पे जो है वो QR कोड भी होगा, आपका अपना QR कोड होगा और ये दूसरे ड्राइविंग लाइसेंस से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा। ज़्यादा जानकारी दे दूँ, जो 1.5 साल से आपको नहीं मिला, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये टारगेट था कि अगले 2 महीनों में आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो दिया जाएगा। ज़्यादा जानकारी दी है रजिंदर सिंह तारा, जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि असुविधा हुई है, असुविधा के लिए खेद है, लेकिन आपको ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी मिलेगा और उस ड्राइविंग लाइसेंस पे होगा QR कोड और QR कोड के साथ साथ आप देखेंगे कि वो ड्राइविंग लाइसेंस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आपको बता दें मोटर व्हीकल रूल की अगर हम बात करें 1989 जो है उसमें जो है चेंजेस तो नहीं हुए, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस जो कहा गया था कि वैसा बनता है उसमें ज़रूर चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। डिपार्टमेंट ने ये माना है कि जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा तब आपको एक मैसेज आएगा और 24 से 72 घंटे के अंदर वो ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पर पहुँच जाएगा। इसके लिए डिपार्टमेंट ने जो है वो पूरे ज़रूरी इंतजाम कर दिए हैं और पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ जो है वो कोलेबोरेशन किया है ताकि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो स्पीड पोस्ट के जरिए आपके घर पहुंचे 24 से 72 घंटे में। और ये भी आपको बता दें कि लाइसेंस ऐसे पहुंच पाएगा जितना आपके घर का डिस्टेंस होगा RTO डिपार्टमेंट से। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस डिस्पैच हो जाएगा, जब वहाँ से निकलेगा आपको एक SMS आ जाएगा और ये SMS जो है आप इस पर इसको ट्रैक कर जो है वो देख सकते हैं कि आपकी लाइसेंस ID जो है वो कहाँ तक पहुँची है। और आप इसको सारथी पर भी जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी चेक कर सकते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कहाँ पर पहुँचा है और आपको ये मिलेगा। आप इस ड्राइविंग लाइसेंस को जो है वो स्मार्ट कार ड्राइविंग लाइसेंस का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि अब पुराने लाइसेंस को छोड़कर जो नया कार्ड मिलेगा इसे नाम दिया गया है स्मार्ट कार ड्राइविंग लाइसेंस। अगर वाकई में आपको ड्राइविंग लाइसेंस 1.5 साल से नहीं मिला है, इंतज़ार करिएगा क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अब आपको स्मार्ट कार ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा विद QR कोड। वो तो सिर्फ लाइसेंस जो आपके घर पर आता था वो लेमिनेटेड होता था, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो फीचर्स जब आपके हाथ में ड्राइविंग लाइसेंस आएगा तब आपको मिल पाएंगे। जम्मू और कश्मीर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ज़्यादा जानकारी दी गई है, इस जानकारी को हमने आप तक पहुंचाया। अगर लाइसेंस की समस्या आपको है अब आने वाले 2 महीनों में नहीं होगी, 24 से 72 घंटे के अंदर लाइसेंस आपके घर पर होगा।